कौन है भगवान शिव के माता पिता? कहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो नहीं? त्रिदेवों में से एक देव है शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ आदि। तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं भगवान शिव। वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आखिरकार किसने जन्मा है भगवान शिव को? आखिरकार कौन है उनके माता पिता? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठते हैं। कौन है भगवान शिव के माता पिता? देवी महापुराण के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर एक कथा है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार का सृजन किसने किया है? भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? आपके माता और पिता कौन है? नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने तप त्रिदेवों का जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान सदाशिव आदि ब्रह्म हैं, वो ईश्वर हैं। परम ब्रह्म सदाशिव ने अपने शरीर से आदि शक्ति का सृजन किया। देवी आदि शक्ति ही पार्वती हैं, वो प्रकृति है, महामाया है, बुद्धि तत्व और विवेक की जननी तथा विकार रहित है। भगवान सदाशिव तथा आदि शक्ति के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति रूपी आदि शक्ति दुर्गा ही माता हैं और परम ब्रह्म सदाशिव पिता हैं। एक बार जब ब्रह्मदेव और विष्णु जी में हुआ झगड़ा, कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि वे एक दूसरे के पिता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि की रचना उन्होंने किया है तथा विष्णु जी भी कहते हैं कि तुम मेरी नाभि से निकले हो। तभी परम ब्रह्म सदाशिव उन दोनों के मध्य से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। एक को जगत की उत्पत्ति तथा दूसरे को पालन का कार्य सौंपा है। शंकर और रुद्र संहारक है। ओम मेरा मूल मंत्र है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।